मैं डॉक्टर विनय कुमार झा आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं 12 का नीट के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का डिस्कशन इस वीडियो के मैं कर रहा हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सर्वप्रथम हम इवेंट्स के बारे में देखेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स, फर्स्ट में आता है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड में फर्टिलाइजेशन और थर्ड में पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर, उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में फ्यूजन का प्रोसेस डील होगा, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जायगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है और जायगोट का डेवलपमेंट कैसे होगा जिसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में पहले आते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस 2 तरह का होगा, एक मेल गैमेटोजेनेसिस और दूसरा फीमेल गैमेटोजेनेसिस। फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक एसेसरी पार्ट और एक एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल पार्ट में 2, एंडोसियम और गायनोसियम। एंडोसियम फ्लावर का मेल पार्ट है जिसका एक कंपोनेंट होता है स्टेमेन। इस वीडियो में हम स्टेमेन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोजेनेसिस का डिस्कशन करेंगे। स्टेमेन एंडोसियम का मेल एंडोसियम का कंपोनेंट है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं मुख्यतः, एक फिलामेंट दूसरा कनेक्टिव। फिलामेंट जो एंथर से जुड़ा रहता है उसके बेस से या डोर्सल सरफेस से, और फर्टाइल पार्ट होता है एंथर। एंथर और फिलामेंट के बीच में जो ज्वाइंट रहता है उसी को कहते हैं कनेक्टिव, जहां पर फिलामेंट एंथर से जुड़ता है उसको कहते हैं कनेक्टिव। अब ये एंथर जो रहता है वह फर्टाइल लोब है या कॉमनली 2 लोब का होता है, और 2 लोब 2 लोब्ड एंथर कहलाता है डायथिकस, और एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं इसलिए डायथिकस एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, टेट्रास्पोरेंजिएट इसको कहेंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, मालवेसी फैमिली जिसमें आता है चाइना रोज, कॉटन, लेडीज फिंगर, उसमें उसमें मोनोथिकस एंथर होता है, माने एक एंथर में सिंगल लोब और उस सिंगल लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसीलिए इसको कहते हैं मोनोथिकस। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो 4 बायलोब्ड माने डायथिकस एंथर में जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हुआ, उस माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर जब अध्ययन करेंगे स्टडी करेंगे तो उसमें 2 पार्ट, एक माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल और दूसरा स्पोरोजेनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल 1-3 लेयर में होता है, सिंगल लेयर इंडोथीसियम, 1-3 लेयर मिडिल लेयर और इनर मोस्ट लेयर एपिडर्म। एंडोथीसियम में फाइब्रस थिकनिंग होता है जो एंथर के डेहिसेंस में हेल्पफुल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका लेयर है टेपेटम। टेपेटम में न्यूट्रिटिव मटेरियल का फॉर्मेशन होता है जो माइक्रोस्पोर्स के डेवलपमेंट में काम आता है, और दूसरा ये इंजाइम्स का सेक्रेशन करता है, और ये जो माइक्रोस्पोर का वॉल है उसके पार्शियली फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होता है टेपेटम। और उसके बाद उसके सेंटर में रहता है स्पोरोजेनस टिश्यू, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, डिप्लॉयड सेल्स है,
और ये स्पोरोजेनस टिश्यू में जब मियोसिस होता है तब बनता है माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन। ये माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होता है और ये मेल गैमेटोफाइट का प्राइमरी स्टेज है। ये माइक्रोस्पोर्स दो वाल से घिरा रहता है, बाहर के वाल को कहते हैं एग्जाइन और अंदर के वाल को कहते हैं इंटाइन। एग्जाइन स्पोरोपोलेनिन का बना होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वह डिके नहीं होता, उसमें डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और उसके अंदर रहता है इंटाइन। इंटाइन सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता है। एग्जाइन में जर्म पोर्स होते हैं जिसके द्वारा जब इसका जर्मिनेशन होता है तो पोलन ट्यूब बाहर आता है, इंटाइन पोलन ट्यूब के रूप में बाहर आता है। तो ये माइक्रोस्पोर्स में जब वह मेल गैमेटोफाइट में प्रवेश किया, फर्स्ट स्टेज हुआ, प्राइमरी सेल्स हुआ मेल गैमेटोफाइट का, इसमें जब गैमेट का फॉर्मेशन होने लगता है उस स्टेज में इसका न्यूक्लियस माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड करता है, एक बनाता है जेनरेटिव सेल्स, दूसरा बनाता है वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स लार्जर इन साइज होता है जेनरेटिव सेल्स से, और ये जेनरेटिव सेल्स डिवाइड करता है दो मेल गैमेट में। मेल गैमेट का फॉर्मेशन जेनरेटिव सेल्स के डिविजन से होता है। यहां पर दो तरह का कथन है। एक कथन कहता है कि जो ये जेनरेटिव सेल्स जब डिवाइड किया कब, जब इसका टू सेल, ये टू सेल स्टेज, टू सेल स्टेज में इसका पोलिनेशन कार्पेल के स्टिग्मा पर हो जाता है तब डिवीजन होता है। किसमें? तो पोलन ट्यूब में। ये जेनरेटिव सेल्स डिवाइड करता है दो मेल गैमेट में। लेकिन एक कथन कहता है कि कुछ प्लांट में ये थ्री सेल स्टेज में पोलिनेशन इसका होता है, रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का। थ्री सेल स्टेज कौन हुआ? तो ये जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करके दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन किया और प्लस एक वेजिटेटिव सेल्स, थ्री सेल स्टेज। थ्री सेल स्टेज में यह माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज हुआ और रिलीज करके यह चला जाता है कार्पेल के स्टिग्मा पर। तो यह हैप्लॉइड मेल गैमेट बना। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजिनस टिश्यू का मियोसिस द्वारा माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। और माइक्रोस्पोर्स, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स में मेल गैमेट का फॉर्मेशन ये कहलाता है मेल गैमेटोजेनेसिस। ये दोनों मिलाकर के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोजेनेसिस, दोनों फेज मिलाकर के फ्लावरिंग प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये प्रोसेस पूरा होता है। इसके बाद वह मेल गैमेट बना और मेल गैमेट का ट्रांसफर हुआ कहां पर? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर ट्रांसफर जो हुआ उसको कहते हैं पॉलिनेशन। इसके बाद जब मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तब ये फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा? फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहलाता है फीमेल गैमेटोजेनेसिस। तो उसमें अब हम लोग पढ़ेंगे कार्पेल, कार्पेल मेगा स्पोरोजेनेसिस या मैक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस, ये दूसरे वीडियो में। थैंक यू।